प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव, तुम कौन हो वत्स? मैं प्रथम बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। मैं प्रथम बार ही यहाँ आया हूँ पूज्यवर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अंगिरा ऋषि शिवेशिष्ट यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ का संचालन करने हेतु आपको आमंत्रित किया है। कृपया मेरे साथ पधारने का कष्ट करें। स्वामी, मेरी तपस्या के कारण विगत कई दिनों से आपने भोजन नहीं किया होगा। मैं तुरंत आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। आप भोजन करके ही पधारें। किंतु ऋषिवर, वे सब वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता, आप निश्चिंत रहिए, ऋषिवर के आहार की व्यवस्था वहीं हो जाएगी। देवी, यज्ञकर्ताओं के अनुरोध को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। यज्ञ समाप्त होते ही मैं तुरंत लौट आऊंगा। चलो वत्स। साधु जनों को प्रणाम। कल्याण भव। साधु महाराज, मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ। आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत आपके लिए फलाहार का प्रबंध करती हूँ। देवी, भिक्षा प्राप्त करने से पूर्व हम अपने नित्य नियम का पालन करें। अपने नियमों के अनुसार हम उसी ग्रहणी से भिक्षा ग्रहण करते हैं जो निसंकोच होकर हमें भिक्षा दे। अर्थात यही कि पर पुरुष जैसा व्यवहार न करके लाज मर्यादा और संकोच को त्याग कर हमें भिक्षा दे। ये कैसे संभव है? विचित्र मांग है आप तीनों की। कोई भी पतिव्रता सन नारी इस प्रकार की स्थिति के लिए कभी तैयार नहीं होगी। भला पर पुरुषों के सामने कोई भी स्त्री अपनी लाज और मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? आप निसंकोच व्यवहार की अपेक्षा क्यों करते हैं मुझसे? लाज और मर्यादा तो नारी के आभूषण होते हैं, और आप आभूषणहीन रूप में मुझे क्यों देखना चाहते हैं? लगता है आपके मन में कोई खोट है। हमारे प्रति शंका और संदेह रखने वाले को हम अपने क्रोध की ज्वाला से तुरंत भस्म कर देते हैं। हम सच्चे तपस्वी हैं। यदि तू स्वयं को इतनी महान सती समझती है तो तेरे मन में विकार ने क्यों प्रवेश किया? और यदि तेरे मन में विकार नहीं है तो तुझे तुरंत हमारी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। भक्ति भ्रमित नारी, ये मत भूल, यदि तूने हम तीनों महात्माओं को बिना भिक्षा दिए लौटा दिया तो इसका परिणाम, विनाशकारी परिणाम तुझे जीवन भर भुगतना होगा। नहीं साधु जन, नहीं। आप रुके। क्यों रुके? क्या अपना अपमान करवाने के लिए रुके? जब हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती तो हम क्यों रुके? किंतु साधु द्वार पर आकर लौट जाएं, ये तो उचित नहीं है। उचित अनुचित का विचार करने वाले हट नहीं क्या करते अनसुईया? और हट करने वाले गृहस्थों के यहाँ हम साधु अन्न जल ग्रहण नहीं करते, इसलिए हमारा लौट जाना ही उचित होगा। ऐसा अनर्थ ना करे साधु जन। अनर्थ से बचना चाहती हो तो हमारे शब्दों का अर्थ समझो। अर्थ समझ लेने के पश्चात उन शब्दों पर आचरण भी करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है अनसुईया। हमारी मांग स्वीकार कर लो। शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्म, विष्णु, महेश इन तीनों की माता बनोगे। मैं माता बनूंगी? तो क्या अब हम लौट जाएं? लौटना ही होगा। ऋषि के द्वार से कोई निराश लौटता तो नहीं, परंतु क्या करें, जैसी विधाता की इच्छा। मुझे आपकी मांग स्वीकार है। भली भांत विचार कर लिया तुमने। नारी सुलभ मर्यादा
और लाज का प्रश्न मत उठा देना। अनसुईया, निसंकोच होकर व्यवहार करना। अवश्य, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, किंतु आश्रम के बाहर रहकर मैं आपकी ये मांग कैसे पूर्ण कर सकती हूँ? इससे आश्रम की पवित्रता भंग होगी। आप सब भीतर कुटिया में पधारें। आइए। स्वामी, ये त्रिदेव मेरी परीक्षा लेकर मेरी मनोकामना पूर्ण करने आए हैं। मैं तभी इनके सामने अपनी लाज, मर्यादा और संकोच का त्याग कर सकती हूँ जब ये तीनों नवजात शिशु बनकर मुझे माता के रूप में निहारें। मुझे अनुमति प्रदान करें स्वामी, प्रदान करें। पधारें महात्मा गण, अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं आपके आदेश का पालन करके आपकी मांग पूर्ण करूंगी। मेरी लाज, मर्यादा और पतिव्रत धर्म की रक्षा हो। चिंतित लग रही है। हाँ देवी लक्ष्मी, विषय तो अनुसुईया के सत्यत्व की परीक्षा का था, किंतु अब वह चिंता तक आ पहुंचा है। चिंता का कारण क्या है देवी? अनुसुईया के सत्यत्व की परीक्षा लेने त्रिदेव यहीं से गए हैं। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था, किंतु लौटे नहीं, यही चिंता का कारण है। देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। स्वागत कर रही हूँ किंतु उदास हूँ। लगता है विषय वही अनसुईया की महान सती होने का है। ऐसा ही कुछ है। त्रिदेव भी यही मानते हैं कि वो जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं, नहीं, हाँ, वो चाहे जितनी बड़ी सती हो, हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती। हम भी यही कहती हैं।
हाँ, हमारा भी यही मानना है कि वो हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती है। नारायण नारायण। त्रिदेवियों को नारद का प्रणाम। त्रिदेवों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर प्राय प्राप्त होता रहता है, किंतु त्रिदेवियों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर और सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। आज कैलाश पर त्रिदेवी सम्मेलन है, अवश्य ही कुछ विशेष प्रसंग होगा, किंतु त्रिदेवियों की शोभा तो त्रिदेव से है। कहाँ है त्रिदेव? नारायण नारायण। मैं तो विष्णु लोक ब्रह्मलोक दोनों में भ्रमण करके आ रहा हूं, दोनों लोक सूने पड़े हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी नहीं। आप तीनों को तो अवश्य ज्ञात होगा ही कि त्रिदेव कहाँ है। नारद, तुम वाक्मित्र तो हो ही, अभिनयपटु भी हो। तुम तो ऐसे अज्ञानी बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ ज्ञान ही न हो। कैसा ज्ञान माता? क्या तुम नहीं जानते कि त्रिदेव अनुसुईया के सतीत्व का अभिमान चूर चूर कर ले गए हैं? कैसे जानूंगा? कैसे माता, जबकि मैं ये जानता हूँ कि सती अनसुया को अभिमान छू भी नहीं सकता, तो फिर उसके चूर चूर होने का प्रश्न भी नहीं उठता। किंतु नारद, तुम ये तो जानते हो कि त्रिदेव अनसुया को महान सती मानते हैं। हाँ, सो तो जानता भी हूँ और मानता भी हूँ माता। क्या तुम भी यही मानते हो? विवशता है माता, विवशता। त्रिदेव जिसे मानते हैं उसे यदि मैं अमान्य कर दूं तो स्वयं मैं अमान्य हो जाऊंगा। तो सत्य ये है कि त्रिदेव की मानता के कारण ही तुम भी यही मानते हो कि अनसुया जगत की महान सती है। हाँ माता। किंतु इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण असत्य से उत्पन्न शंका का होता है माता। जो प्रत्यक्ष है उसका क्या प्रमाण? सत्य असत्य का ज्ञान बिना परीक्षा लिए कैसे होगा नारद? माता, यही जानने तो मैं अत्रि आश्रम गया था। क्या नारद, तुम अत्रि आश्रम गए थे? हाँ माता, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो क्या वहाँ त्रिदेव नहीं थे? अब क्या बताऊँ मैं माता? जो सत्य है वही कहो नारद। बताओ नारद, त्रिदेव वहाँ थे अथवा नहीं? थे भी और नहीं भी। नारद, अपनी लीला का प्रदर्शन दानवों अथवा मानवों पर किया करो। स्पष्ट कहो, त्रिदेव वहाँ थे या नहीं? कहो नारद, अनुसुईया के आश्रम में तुम्हें त्रिदेव के दर्शन हुए अथवा नहीं? माता, मैंने वहाँ अनुसुईया के तीन छोटे छोटे शिशुओं के दर्शन किए, किंतु त्रिदेव के तो तीनों लोक में कहीं दर्शन नहीं हुए। ये क्या, कहाँ गई मैं तीनों? नारद, तुमने ये क्यों कहा कि त्रिदेव वहाँ थे भी और नहीं भी? नारायण नारायण। माता, मैं तो कण कण में प्रभु के दर्शन करता हूँ। सती अनसुया के उन तीनों शिशुओं में भी मैंने त्रिदेव के दर्शन किए, बस इसलिए कह दिया कि वे वहाँ थे। नारद, अपने से बड़ों के साथ ऐसा निर्मल विरोध करते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं होता? मैंने कोई विनोद नहीं किया माता। रही बात संकोच की, सो तो भक्तों को संकोचहीन करने में त्रिदेव भी कब संकोच करते हैं? अभिप्राय क्या है तुम्हारा? कोई अनर्थकारी अभिप्राय नहीं है माता, सरल और स्पष्ट अभिप्राय है कि जब तक भक्त निसंकोच होकर त्रिदेव से वरदान नहीं मांगते, तब तक त्रिदेव भी निसंकोच होकर भक्तों को वरदान नहीं देते। तो तुम्हारा अभिप्राय है कि त्रिदेव अनुसुईया को निसंकोच होकर वरदान देने गए हैं? माता, कहा ना मैंने कि मैंने त्रिदेव को तीनों लोक में कहीं नहीं देखा। तो फिर गए कहाँ? माता, आप तीनों मुझसे और मैं आप तीनों से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वे गए कहाँ? नारद, तुम जब अत्रि आश्रम गए थे तो तुमने अनुसुईया से उनके विषय में नहीं पूछा? तो क्या
अनसुया ने तीन शिशुओं को एक साथ जन्म दिया है? हमें तो इस विषय में भी कुछ ज्ञान नहीं था कि अनसुया माँ बनने वाली है। पर माँ बनने वाली इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है? नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सती अनसुया की परीक्षा लेने गए त्रिदेव को स्वयं परीक्षा देनी पड़ गई हो? नारायण नारायण, अर्थात त्रिलोक की भाषा में उन्हें कहीं लेने के देने पड़ गए हो। और फिर आवश्यक भी कि सदा त्रिदेव परीक्षा देने पर नहीं हो जाए। नारद, तुम हमारी चिंता कम करने की अपेक्षा उसे बढ़ा ही रहे हो। माता, यदि मेरे वश में होता तो मैं आप तीनों की चिंता कम क्यों करता? नारायण नारायण, अर्थात जड़ मूल से मिटा ही ना देता। पर क्या करूं माता, विवश हूँ। नारद, ऐसा लगता है हमसे कुछ छिपा रहे हो। छिपने वाले तो छिप ही गए माता, मैं क्या छिपाऊंगा? नारी, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, दिव्य दृष्टि से देखकर बता कि इस समय त्रिदेव कहाँ है। दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति से तो आप तीनों भी संपन्न है माता, फिर आप ही स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देख ले कि आपके पति कहाँ है, कैसी स्थिति में है और क्या कर रहे हैं। अब तो हमें यही करना होगा, हम व्यर्थ ही उद्विग्न हो रहे हैं। चलो देखते हैं। क्या तुम दोनों ने वही देखा जो मैंने देखा? यही प्रश्न मैं करने वाली थी। यही प्रश्न आप दोनों से मैं भी कर रही थी। क्या प्रश्न है आप तीनों देवियों का? तनिक मैं भी तो सुनूं। नारद, सब कुछ जानते हुए भी तुम अंधे के बनते हो। क्या तुम नहीं जानते कि अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया के पालने में त्रिदेव शिशु बनकर पै पै कर रहे हैं? पै पै नहीं, ऐ ऐ कर रहे हैं। पै पै भी नहीं और ऐ ऐ भी नहीं, उआ उआ करके रो रहे हैं। नारायण नारायण, सभी ने अपने अपने पतियों को शिशु रूप में रोता देख सुन लिया। अच्छा हुआ आप तीनों ने उन तीनों को देख लिया, आपकी चिंता दूर हो गई ना। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं चला। रुक जाओ नारद, हमारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है, बढ़ गई है। अभी तो केवल इतना ही ज्ञात हुआ है कि वे अनसुया के पालने में हैं। अब और क्या ज्ञात करना शेष है माता? नारद, कभी कभी तुम्हारे प्रश्न बाण की नोक से भी अधिक नुकीले होते हैं। करना तो शेष ही है। नारद, तुम्हें हमारे साथ तुरंत अत्रि आश्रम चलना है। मैं? नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूंगा वहां आकर? शिशुओं और माताओं के बीच नारद का क्या काम है? ये गुत्थी तो आप तीनों की उलझाई हुई है, अब इस गुत्थी को आप तीनों ही सुलझाएं। मुझे आज्ञा दे नारायण नारायण। तपस्या फलित हो गई स्वामी, ये तीनों हमारे पुत्र हैं। ऋषिवर अत्रि, संपूर्ण जगत को पालने वाला स्वयं पानी है।
ऐसा? त्रिदेव को इस स्थिति तक पहुंचाने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ? अर्थात आप इस सत्य को स्वीकार करती हैं कि मैं निसंकोच होकर ये सब कर सकती हूँ? तो विचार करें कि संकोच करते हुए मैं जो करती उसका रूप स्वरूप क्या होता? अभिप्राय क्या है तुम्हारा? अभिप्राय तो कभी कुछ भी नहीं था मेरा, अभिप्राय तो आप तीनों देवियों का था, जिसे लेकर आपके पतिगण मेरी परीक्षा लेने आए थे। मंजुआ ने त्रिदेव को शिशु बनाकर पालने में कैसे सुला दिया? उससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये है कि त्रिदेव शिशु बन कैसे गए? वे स्वयं शिशु बनना चाहते थे, ऐसी ही उनकी मांग थी। मैंने तो मात्र उनकी मांग को उनकी आज्ञा समझकर पूर्ण किया है। अनुसुईया, जगत में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और ना ही भविष्य में ऐसा होना संभव होगा कि त्रिदेव को कोई नारी अपने सतीत्व के बल पर शिशु बनाकर पालने में सुला दे। हां सुईया, हम तुम्हारी प्रतिभक्ति और सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी क्या है? हम तुम्हारे सतीत्व की श्रेष्ठता को और महानता को प्रणाम करती हैं। अब हमें हमारे पति लौटा दो। आज हमसे अधिक सौभाग्यशाली इस जगत में कौन होगा स्वामी, जिनकी कुटिया में तीन महादेवियां एक साथ पधारी हैं? केवल तीन महादेवियां? इस पालने में सोए हुए त्रिदेव को तुम भूल गई अनुसुईया? ऋषिवर, कृपा कर अनुसुईया से कहें कि वे त्रिदेव को उनके मूल रूप में प्रकट करें। क्या त्रिदेव स्वयं ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, अनुसुईया की सतीत्व की शक्ति ने उन्हें शिशु बनाया है, अब वही शक्ति उन्हें मूल रूप दे सकती है। त्रिदेव कभी भी अपने भक्तों की शक्ति के विरुद्ध अपनी शक्ति का उपयोग करके उनको अपमानित नहीं करते, कारण कि भक्तों के पास भी त्रिदेव की ही शक्ति होती है। यदि त्रिदेव को अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होता तो वे शिशु बनते ही क्यों? अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता का सम्मान का ध्यान रखकर अब वे अपने मूल रूप में स्वयं नहीं आएंगे। जब उन्होंने अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है तो उनकी इच्छा का अवश्य सम्मान करेंगे। अतः आप ही अनुसुईया से कहें कि वे त्रिदेव को अपने मूल रूप में प्रकट करें। महेश ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की देवी, यदि तुम इन्हें शिशु बनाकर रखोगी तो संपूर्ण जगत की व्यवस्था और स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो देव को उनका मूल रूप प्रदान करो देवी अनुसुईया। आपकी आज्ञा शिरोधार्य स्वामी।
ने अपने तेजस्वी सतीत्व के प्रभाव से हम त्रिदेवों के मातृवत को प्राप्त किया। हम तुम्हें माता के रूप में प्रणाम करते हैं। मीरा और आप तीनों का माता और पुत्र का संबंध बन ही गया है, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप त्रिदेव एक ही रूप में अत्रि पुत्र के रूप में स्थापित हो। माता, आपकी हार्दिक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हम त्रिदेव एक रूप लेकर दत्तात्रेय का अवतार धारण करेंगे जो अत्रि पुत्र कहलाएगा। और ये अत्रि पुत्र दत्तात्रेय पालन करता श्री हरि विष्णु के अवतार स्वरूप सारे जगत में प्रसिद्ध। हम त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति के धारक होते रहे, सौम्य, शालीन, परोपकारी एवं शांत प्रकृति के हैं। और भगवान दत्तात्रेय एवं विष्णु अवतार के रूप में आपकी कीर्ति दिग्दिगंत तक व्याप्त रहेगी। हे अत्रि अनुसुया पुत्र, आप संसार में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सद्भावना का प्रकाश प्रकाशित करेंगे। हे संत वेशधारी दत्तात्रेय, आप जगत में अवधूत के वैराग्य प्रदर्शक नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना वे नाम स्मरण करेगा वो हम तीनों को प्राप्त होगा। साथ ही वो त्रिदेवों की कृपा का अधिकारी। श्री हरि विष्णु अवतार दत्तात्रेय, जो भी भक्त आपका नाम स्मरण करेगा वो सदा धन वैभव और संपन्नता से पूर्ण रहेगा। इतना ही नहीं, आपकी भक्ति करने वाले भक्त का ज्ञान चमत्कार पूर्ण होगा। ज्ञान व विद्या में वो सदा अग्रणी रहेगा। जगत में भक्ति और वैराग्य की धारा आपके नाम से ही प्रवाहित होने लगेगी। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने अपनी कृपा का जो प्रसाद दत्तात्रेय को प्रदान किया है वो अभूतपूर्व है। जगत में ऐसी उपलब्धियां सरलता से प्राप्त नहीं होती। तीनों लोकों की संपदा से अधिक प्राप्त किया है दत्तात्रेय ने। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने शेष कुछ भी नहीं छोड़ा। जगत में जो श्रेष्ठ है वो सब प्रदान किया है दत्तात्रेय को। तुम धन्य हो दत्तात्रेय। प्रणाम माता, प्रणाम पिता श्रेष्ठ। मैं दत्तात्रेय इस जगत को धर्म का संदेश सुनाकर प्राणियों को कल्याण मार्ग के लिए प्रेरित करता हूं। माता, आप उदास न हो। हमने ही स्वप्न में आकर आपको पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या का उपाय सुझाया था, इसलिए हम अपने अंश से आपको ऐसा रुद्र अवतारी पुत्र प्रदान करेंगे जो सदा आपकी सेवा में रहेगा। रुद्र अवतारी शिवांशी प्रकट हो। पालन नहीं करेंगे और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। देवेश्वर, आपका ये रुद्रावतार तो जन्म से ही रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसे कहिए कि अपने क्रोध पर अंकुश रखिए। रुद्रावतारी शिवांशी, यदि तुमने अपने क्रोध पर संयम नहीं रखा तो जन साधारण तुम्हें शिवांशी न कहकर दुर्वासा के नाम से पुकारेगा।
जन साधारण मुझे क्या पुकारेंगे इसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं है प्रभु। मैं तो मात्र इतना चाहता हूँ कि वे दुष्कर्मी मुझसे भयभीत हो ताकि वे पाप कर्मों से बचे रहें। स्वामी, आपने स्वयं मुझसे कहा था कि आप ऐसे रुद्रावतार को प्रकट करना चाहते हैं जिसके वजह से लोग अनाचार तथा अत्याचार करने से बचे रहें। अब शिवांश को अत्रि अनुसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट करके वह कथन सत्य कर दिखाया। पुत्र, तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अपने स्वभाव के कारण तुम दुर्वासा के नाम से ही प्रसिद्ध होगे। आपके वचन सत्य सिद्ध होंगे माता पार्वती। अब मुझे आज्ञा दी, मैं देहाग्नि से तप रहा हूँ, शीघ्र स्नान करके शांत होना चाहता हूँ। माता अनसुईया, मैं स्नान करके लौटूंगा, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करो। अब हमें आज्ञा दी। आनंदपूर्ण, अद्भुत, सौभाग्यपूर्ण, मेरे तीनों आराध्य महादेवता और महादेवियां एक साथ गमन कर रहे हैं, फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? ऐसा सौभाग्यपूर्ण सुअवसर मुझे कब मिलेगा? कृपा निधान, मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन दें। नारायण, तुम तीनों लोक में कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्यों? पुत्र अथवा भक्त से उसके पिता अथवा आराध्य का कभी पीछा छूटा है? यदि छूट जाए तो पुत्र और भक्त की क्या दुर्दशा होती है, ये आप भली भांति जानते हैं परम पिता। नारद, ब्रह्मदेव के प्रश्न का उत्तर तो तुमने दे दिया, अब हमारे प्रश्न का भी उत्तर दो। भोलेनाथ, आपका क्या प्रश्न है? क्या तुमने अत्रि आश्रम आकर हमारे बाल रूप के दर्शन नहीं किए? और क्या अनुसुईया के पुत्रों के दर्शन करना आपका उद्देश्य नहीं था नारद? नारायण नारायण, मैं तो युग युगों से तीनों लोक में तीनों महादेवताओं के दर्शन भांति भांति प्रकार से करता आ रहा हूँ, और फिर दर्शन के विषय में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली प्राणी इस जगत में कौन है? ये हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं है नारद। नारायण नारायण, देवेश्वर, ये आपके प्रश्न का 3/4 उत्तर है, और 1/4 शेष उत्तर ये है कि जब मैंने आप तीनों के दर्शन करने का कीर्तिमान स्थापित किया है तो फिर आपके शिशु रूप के दर्शन करने का अवसर मैं भला अपने हाथों से कैसे जाने देता? तो क्या तुमने तीनों देवियों को हमारे शिशु रूप के विषय में सूचित किया है? कैसे करता परमपिता? देवी अनसुईया और आपके क्रियाकलाप और आपकी मांग के बीच यदि मैं आता तो मेरी क्या गति होती? तीनों माताएं तो यही समझती कि आप तीनों के बालक बन जाने में मेरा ही सहयोग था। नारद, अब अधिक बातें न बनाओ, सत्य तो यही है, इन घटनाओं के पीछे अदृश्य रूप से तुम ही थे। हाँ, ना, 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 ना। और इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि तुम हम सभी के साथ नारद लीला करने से चूके नहीं। हम पर अपनी लीला का प्रयोग करते हुए तुम्हें तनिक भी विचार नहीं आता? नारायण नारायण, मेरी लीला? त्रिदेव के सम्मुख मैं क्या और मेरी लीला क्या? सत्य तो यह है कि आप तीनों देवियों को यह सत्य मान्य ही नहीं था कि सती अनुसुईया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। यही सत्य आप तीनों को मनवाने के लिए परीक्षा के बहाने त्रिदेव ने अपनी लीला का प्रसार किया, और दोष व्यर्थ ही में मेरे सिर पर बढ़ा जा रहा है। माताओं, इस सत्य को आप सदा के लिए समझ कर रखें कि मेरा हर कार्य त्रिदेव के संकेत पर ही होता है, स्वेच्छा से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। श्री हरि विष्णु,
अब आप हमें ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ ने सती अनसुया को वरदान में पुत्र रूप में शिवांशी रुद्रावतार को जो प्रदान किया था वो है कौन? सावधान नारद, उस रौद्र रूपधारी दुर्वासा से सावधान रहना। यदि उसका क्रोध जाग गया तो तुम्हारी कुशल नहीं है। नारायण नारायण, रुद्रावतार दुर्वासा? धीरे धीरे खाओ पुत्र, ऐसी शीघ्रता से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। माता, भूख की अग्नि को शीघ्र शांत कर देना चाहिए, अन्यथा वो फैल जाती है। माता, ये तो मुझे ज्ञात है कि आपने मुझे भगवान शिव की आराधना तथा तपस्या से प्राप्त किया है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको तपस्या में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या की थी पुत्र, इसलिए कष्ट का तो प्रश्न ही नहीं था। हाँ, उस समय एक बाधा अवश्य आई थी। बाधा? कैसी बाधा माता? स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र ने मेरी तपस्या में बाधा पहुंचाने की चेष्टा की थी। उसने मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न किया था। आपकी इस तपस्या में बाधा पहुंचाने वाले इंद्र को अपने इस दुष्कर्म का परिणाम भोगना होगा माता, अवश्य भोगना होगा। रुद्रावतारी शिवांशी अपने रौद्र रूप पर संयम व नियंत्रण नहीं रख सकते थे, अतः भगवान शिव की ये भविष्यवाणी कि जन साधारण उन्हें शिवांशी न कहकर दुर्वासा के नाम से पुकारेंगे सत्य ही सिद्ध हुआ। कारण कि दुर्वासा तनिक सी अनुशासनहीनता व अनीति पर व्यग्र हो उठते थे और क्रोध पर अपना नियंत्रण खोकर स्वयं को सहज सीमाओं में रखने में असमर्थ हो जाते थे। तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो पुत्र, क्या कारण है? माता, इस आश्रम की सीमाओं ने मुझे बांध दिया है। लगता है कि बंधन मेरे स्वभाव को स्वीकार नहीं है माता, यही कारण है कि मैं इतना व्यग्र और व्याकुल हो रहा हूँ। माता, कृपा करके मुझे इस आश्रम से बाहर भ्रमण करने की आज्ञा और सुविधा प्रदान करें। व्यग्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है पुत्र, तुम इस व्यग्रता के घेरे से बाहर आओ तथा तनिक वन प्रदेश में घूमाओ, किंतु शीघ्र ही लौट आना। मुझे तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारी चिंता लगी रहती है। आप तनिक भी चिंता न करें माता, मुझ पर भगवान शिव की सदैव कृपा रहती है। व्यग्रता शांत होते ही मैं शीघ्र लौट आऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव के लिए फूल ले जा रहे हैं। तो तुझे क्या लगता है ये फूल तेरे लिए चुन रहे हैं? संभवतः इसी के लिए चुन रहे होंगे, चल के पूछ लेने में आपत्ति क्या है। पाए लागे महाराज, क्या ये फूल आप भगवान के लिए चुन रहे हैं? तो फूल क्या भक्तों के लिए चुने जाते हैं? फूल तो भगवान के लिए ही चुने जाते हैं ना। क्या भगवान फूलों से प्रसन्न होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं प्रसन्न। जिन फूलों से भगवान प्रसन्न होते हैं उन फूलों को चुनते हुए आप क्रोध में आए हैं, तो क्या आप भी भगवान प्रसन्न होंगे? वो भी आपकी भांति आप पर क्रोधित नहीं होंगे इन फूलों को देखकर? नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। कोई ऋषि
परंतु ये नए ऋषि है कौन? इससे पहले तो मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। नारायण नारायण, कहीं यही तो रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा नहीं? माता पार्वती ने मुझसे कहा था कि ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं। इनसे सावधान रहना नारद। नारायण 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 नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। प्रणाम। नारद का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर और अपना समुचित परिचय भी दें। मेरी माता का नाम सती अनसुईया है और पिता का नाम? आपके पिताश्री का नाम अत्रि ऋषि है और यदि मेरा अनुमान सही है तो आप ही रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा है। यदि जानते हो तो फिर पूछते क्यों हो? क्यों बार बार मेरा मार्ग अवरुद्ध करते हो? और यदि पूछते ही हो तो संपूर्ण बात सुने बिना बीच में क्यों बोलते हो? ऐसे व्यवहार के पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन है आपके स्वभाव की उग्रता को विनम्रता में बदलने का। किसने कहा कि मेरा स्वभाव उग्र है? माता पार्वती ने। इसीलिए तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या आप माता पार्वती का कोई संदेश लेकर आए हैं? आपके क्रोधी स्वभाव की सूचना माता पार्वती से प्राप्त होने पर आपके लिए संदेश तो बन ही जाता है ना ऋषिवर। क्या है वो संदेश? आपके हित में है, आपके क्रोधी स्वभाव को शांत करने का। परंतु वो संदेश है क्या? सत्य से पूर्ण वो संदेश यही है कि आप काशी तीर्थ जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना से मेरा क्रोध शांत कैसे होगा? वो तो स्वयं रुद्र है, संहारक देवता है। क्रोध के आवेश में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या तुम ये सब नहीं जानते? जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, किंतु संभवतः आप इस सत्य को नहीं जानते कि काशी का दूसरा नाम आनंद कानन है। काशी है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय क्षेत्र। भगवान भोलेनाथ काशी में सदा आनंद स्वरूप में रहते हैं तथा अपने भक्त जन को शांत करके आनंदित करते हैं। आप स्वयं वहां जाकर इस सत्य का अनुभव करें। किंतु गंगा तट पर बसी काशी तो अत्यंत विस्तार में है। मुझे ऐसा एकांत स्थान बताओ जहां मैं बिना किसी बाधा के शिव का ध्यान करते हुए तपस्या कर सकूं। गंगा नदी के पूर्व दिशा प्रवाह के उत्तर की ओर एक एकांत सरोवर है जिसका नाम कामकुंड है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने यह कहा है कि कामकुंड के समीप शिवलिंग की स्थापना कर उसकी अखंड आराधना करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। आप कामकुंड के समीप दुर्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर उसके सम्मुख बैठकर भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न हो जाएं। फिर आप देखें कि भगवान भोलेनाथ क्या चमत्कार दिखाते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आनंद कानन काशी नगरी। यही है काशी नगरी। Oh.
भंग क्यों हो गया स्वामी? रुद्रावतार दुर्वासा के जप के प्रभाव से ऐसा हुआ है देवी। नारद ने दुर्वासा का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें हमारी आराधना का परामर्श दिया था। क्या आपकी आराधना करने से उनका क्रोध शांत हो जाएगा? आप मुस्कुराकर मौन क्यों हो गए स्वामी? हमें तुम्हारे भोलेपन पर विचार आ गया। इतना ज्ञान तो तुम्हें भी है कि क्रोध और आराधना दोनों कभी एक स्थान पर आमने सामने नहीं होते। दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए आराधना कर रहे हैं, परंतु उनका क्रोधी स्वभाव आराधना से शांत होता है अथवा नहीं, ये जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही हमें उनके धैर्य की परीक्षा भी लेनी होगी। दुर्वासा ऋषि, ये कठोर तपस्या कहीं स्वर्ग प्राप्ति के प्रयत्न में तो नहीं कर रहे हैं? देवराज, ज्ञात हुआ है कि ये ऋषि अत्रि और सती अनसुईया के पुत्र हैं, और ये भी सुना गया है कि इनका स्वभाव अति उग्र है। नारायण नारायण। देवराज, ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे हैं अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए, ना कि आपके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। और आप उन्हें छेड़ने का प्रयत्न कदापि ना करें, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। नारायण नारायण। कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ भी नहीं। मेरी समस्त तपस्या एवं आराधना व्यर्थ सिद्ध हुई, व्यर्थ। मैं व्यर्थ ही नारद के बहकावे में आ गया। उसने मुझे मूर्ख बनाया है। यहां न तो आनंद है न शांति है। ये काशी मात्र निराशा की भूमि है, निराशा। मैं इसी क्षण इसे श्राप देकर इसकी महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। रहस्येश्वर शिवलिंग, रुद्रावतार दुर्वासा, काशी को शापित करने की शक्ति किसी में नहीं है। आनंद नगरी काशी को कोई भी शाप छू नहीं सकता, प्रलय भी इसे डुबो नहीं सकता। अतः तुम अपने क्रोध को शांत कर हमारे साथ काशी में रहने का आनंद बना। मुझे क्षमा करें शिव शंकर, आप ही के रुद्र अंश से उत्पन्न मैं अपने क्रोध को वश में नहीं रख सकता और सदा श्राप देने के लिए उद्यत हो जाता हूं। भगवान दुर्वासा, तुम्हारा नाम शाप से ही सुशोभित होता है, परंतु शाप तभी दो जब कोई प्राणी विपरीत आचरण करे अथवा सत्य असत्य के विवेक को भूल जाए। तो अब मेरी तपस्या सफल हुई ना भगवान? हमारे प्रकट होने का यही अर्थ है। तुम्हारे द्वारा स्थापित दुर्वासेश्वर शिवलिंग अब कामेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो व्यक्ति कामकुंड में स्नान कर कामेश्वर की आराधना करेगा, उसकी सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। आपने मेरी तपस्या का प्रतिदान देकर मुझे उपकृत किया है भगवान, मैं धन्य हुआ। क्या बात है देवी, तुम उदास क्यों हो? इसका भी कारण है स्वामी। दुर्वासा अपनी व्यग्रता को शांत करने के लिए भ्रमण करने गया था। वर्षों बीत गए किंतु वो लौट कर नहीं आया। मुझे तो चिंता हो रही है
न जाने वो कहाँ होगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता को चिंता करने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम दुर्वासा को बुलाने की इच्छा मात्र करोगी तो वो तुरंत दौड़ा चला आएगा। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा कि इस समय वो कहाँ होगा? क्यों भूल जाती हो देवी, तुम्हें शिवलिंग में तीनों लोक देखने की सिद्धि प्राप्त है। तुम शिवलिंग में देखकर दुर्वासा को पुकारो, वो तुम्हें तुरंत दिखाई देगा। दुर्वासा, पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? ओम नमो भगवते रुद्राय। पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? माता, तुम शीघ्र आश्रम लौटाओ पुत्र, मैं तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हूँ। माता की आज्ञा शिरोधार्य, मैं स्वयं आप लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। माता, व्याकुल दुर्वासा माता पिता के दर्शनार्थ प्रस्थान करते हैं। जिस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने महेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया, उसी प्रकार ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के निमित्त महर्षि विश्वामित्र भी कठोर तपस्या कर रहे थे, जिससे सर्वप्रथम देवराज इंद्र प्रभावित होते हैं। वे देवराज जिन्हें सदा ही ये चिंता पीड़ित करती है कि कहीं कोई दानव, मानव अथवा ऋषि अपने तप के बल से उनके सिंहासन का हरण न कर ले। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के साथ आकाश भ्रमण करते हुए विश्वामित्र को तपस्यारत देखकर वे विचलित हो उठे। विश्वामित्र, यह कठोर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं मेनका। यदि इनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम मेरा अभिप्राय समझ रही हो ना मेनका? मुझे क्या करना होगा देवराज? मेनका, विश्वामित्र को अपने रूप लावण्य के माया जाल में फंसाना होगा। अपने सुंदर हाव भाव से नृत्य दिखाकर उसे मुग्ध एवं मोहित करना होगा। इस प्रकार विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। आप निश्चिंत रहे देवराज, मुझे अपने सन्मुख और समीप पाकर विश्वामित्र अधिक समय तक तपस्या नहीं कर पाएंगे। नारायण नारायण। प्रणाम रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा, प्रणाम। आपकी कठोर तपस्या को कोटि कोटि प्रणाम और आपकी भक्ति और निष्ठा को अनेक अनेक प्रणाम। मैंने आपका प्रणाम स्वीकार किया, अब मुझे जाने दे, मुझे माता ने पुकारा है। अवश्य अवश्य, माता की पुकार सुनने पर जगत के सभी कार्य त्याग कर पुत्र को जाना ही चाहिए। किंतु महर्षि, मैं आपके और आपकी माता के मध्य बाधा नहीं बनना चाहता। महर्षि, आप मेरी बात सुने। महर्षि, तो अब आपका अभिप्राय क्या है? मात्र देवराज इंद्र के षड्यंत्र की सूचना देना, इसी अभिप्राय से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? जिस इंद्र ने आपकी माता और आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उसी इंद्र के विषय में और उसके षड्यंत्र के विषय में आपको सूचित करना, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। किंतु इंद्र ने किसके साथ षड्यंत्र किया है? राजश्री, विश्वामित्र के साथ, जो ब्रह्मर्षि बनने के लिए आप ही के समान कठोर तपस्या कर रहे हैं। किंतु देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या खंडित करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को वहां भेजा है। एक तपस्वी को दुष्ट इंद्र के षड्यंत्र से सावधान करना हमारा कर्तव्य है। हम इसी क्षण वहां जाएंगे। नारायण नारायण। सुंदरी, ठहर जा। षड्यंत्रकारी इंद्र का षड्यंत्र हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे अप्सरा मेनका। एक तपस्वी की तपस्या खंडित करना महापाप है। ऋषिवर, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
तत्पश्चात मैं आपसे विनती करूंगी कि आप क्रोध ना करें। क्रोध न करूं? क्यों ना करूं क्रोध? तुम अकारण महापाप करो और मैं कारण होने पर क्रोध भी न करूं? क्यों न करूं क्रोध? ऋषिवर शांत हो जाइए। मेनका, इस दिव्य और शांत वातावरण को अशांत करने तुम आई हो और मुझे शांत रखना चाहती हो। ऋषिवर, मैं स्वेच्छा से नहीं आई हूँ, भेजी गई। मैं तो अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर रही हूँ। अनर्थकारी है उसका आदेश और विनाशकारी है तुम्हारा उसे पालन करना। मेनका, अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इसी क्षण स्वर्ग लौट जाओ, अन्यथा हमारे क्रोध से उत्पन्न श्राप और श्राप से उत्पन्न कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऋषिवर, आपके शाप से भयभीत होकर मैं अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेनका, तुम्हें अपनी दुर्दशा की चिंता नहीं, इंद्र के आदेश की चिंता अधिक है। स्वाभाविक है ऋषिवर, वे हमारे स्वामी जो है। तो क्या स्वामी का आदेश मानकर तू तपस्वियों की तपस्या को भंग करेगी? किसका क्या रंग होता है, क्या भंग होता है, ये सोचना मेरा कार्य नहीं है ऋषिवर। मुझे केवल अपने स्वामी देवराज की इच्छा पूर्ण करनी है। मेनका, अपने स्वामी इंद्र की ही भांति तू भी बाहर से नख से लेकर शिख तक सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु भीतर से तुम दोनों ही पाप के भंडार हो। तू एक स्त्री है मेनका, इसलिए हम तुझे भस्म तो नहीं करेंगे, किंतु हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस विश्वामित्र को तू भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, उसी के कारण तू स्वर्ग से भ्रष्ट होकर एक मानवी का जीवन व्यतीत करेगी। तू तो तू, तेरी संतान भी हमारे श्राप की छाया से मुक्त नहीं हो पाएगी। मेनका, इंद्र के षड्यंत्र में सम्मिलित होने का परिणाम तुझे बार बार भुगतना पड़ेगा, बार बार भुगतना पड़ेगा। क्रोधित दुर्वासा से शापित होने के उपरांत भी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का अपना हठ नहीं छोड़ा। कारण कि मेनका के लिए देवराज की आज्ञा की अवहेलना करना संभव ही नहीं था। मेनका के लिए दुर्वासा के शाप की पीड़ा से अधिक इंद्र की आज्ञा और अपने कर्तव्य का महत्व अधिक था। अतः वो विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गई। योग विरक्ति भोग है त्रिलोक।
करना निरानिरर्थक, जप करना है जग से पलायन, सत्य मंत्र बतलाए मेरी रुन झुन मनमोहक मेनका, अब तुम्हें मेरी जीवन संगनी बनकर रहना होगा। अब मैं तुम्हें लौटकर स्वर्ग नहीं जाने दूंगा।